हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी आसिन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कक्षा 10वीं के जो ये बोर्ड की परीक्षा है जो नजदीक आ रही है, उसके तहत मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा था और उसमें हमारा जो लेसन चल रहा था वो केंद्र सरकार, और हमने अंतिम वीडियो के अंदर केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की, जो है कि प्रधानमंत्री। अब सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसार कहां पर प्रधानमंत्री नाम का जिक्र होता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अनुसार की गई है, तो वो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। अब इसका गठन कैसे होता है, तो समझिएगा कि संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के तहत, संसद के जो सिद्धांत है उनके तहत राष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखो, प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य चुनकर आते हैं वह उनमें से जो बहुमत दल का, जहां जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त है और उस दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। और करता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जब राष्ट्रपति को अपने स्वयं के विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। बाकी अधिकांश क्या होगा कि लोकसभा में जो जितने भी दल जीत कर आते हैं उनमें से जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हो उस दल का, मतलब बहुमत दल का जो नेता होगा वो ही प्रधानमंत्री के सीट का दावेदार होगा, उसी को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, लोकसभा का नेता राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय और विभिन्न पद प्रदान करता। एक एक करके हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण, कि लोकसभा में जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से जो राष्ट्रपति जो होगा वो उसकी मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। तो कहने का मतलब जो मुख्य भूमिका जो होती है मंत्रिपरिषद के गठन की वो होती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद का गठन करवाता है, उनको चुनता है। तो सबसे पहला कार्य होगा मंत्रिपरिषद का निर्माण। उसके बाद में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रिपरिषद का निर्माण होने के बाद प्रधानमंत्री जो होता है विभिन्न जो जो भी मंत्रिपरिषद के विभाग है उनको बांटता है, उनको उनमें जो कुछ भी परिवर्तन करने होते हैं वो परिवर्तन करता है, तथा किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाता है, कौन सा विभाग किसको दिया जाता है, उसका जो है निर्णय प्रधानमंत्री लेता है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होने के कारण तथा प्रधानमंत्री होने के कारण, क्योंकि सभी मंत्रियों का जो प्रधान है वही प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री होने के कारण बैठकों का, जितनी भी बैठक होती है उनका सभापति का जो दायित्व तो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, और वही उन सभाओं का संचालन करवाता है तथा उन सभापति के रूप में उन सभाओं की एक तरीके से अध्यक्षता जो है वो करता है। फिर आगे लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री जो होता है वो एक तरीके से लोकसभा का नेता होता है और संपूर्ण लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आ गया है राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता। ये प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है उसके बीच की कड़ी है। अगर मंत्रिपरिषद से कुछ भी बात या कोई भी जो व्यवस्था है वो प्रधान मतलब राष्ट्रपति तक पहुंचानी हो तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और फिर राष्ट्रपति के परामर्श को पुनः मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का। इसी कारण से राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की जो कड़ी है वो कौन है? प्रधानमंत्री, जो उनका संबंध स्थापित करता है। फिर है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। जितने भी शासन के अलग अलग विभाग है उन सब में आपस में समन्वय रखने का कार्य भी किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। विभिन्न पद प्रदान करता। अब देखो, राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे पद प्रदान किए जाते हैं, जो हमने राष्ट्रपति नामक ट्रॉफी के अंदर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जितने भी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो प्रधानमंत्री के सलाह से करता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक तरीके से उन पदों पर नियुक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो केवल एक तरीके से हम कह सकते हैं आगे दिखावे के रूप में उनकी नियुक्ति करता है, बाकी मुख्य कार्य जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति उन विभिन्न पदों पर दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, ये थे प्रधानमंत्री के कार्य, जिनमें पहला है, वापिस याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। दूसरा, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन करता है। मंत्रिपरिषद का कार्य और संचालन करता है। लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है, संबंध स्थापित करता होता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय करता है और विभिन्न पद प्रदान करता है। जो भी राष्ट्रपति के द्वारा पद दिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। तो ये थे प्रधानमंत्री के कार्य। और प्रधानमंत्री की अगर संविधान के अनुसार पूछा जाए तो अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो लोकसभा में चुने हुए जितने भी दल आते हैं उनमें से बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनता है। और कभी कभार कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी प्रधानमंत्री के बारे में नियुक्त कर सकता है, उसके बारे में विचार कर सकता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद के अंदर क्या है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मतलब मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो मुख्य नेता होगा वो कौन होगा? अपना प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा माना गया है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता तथा प्रधानमंत्री की सलाह से फिर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का सर्वे सर्वा होता है, बल्कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोग बहुमत दल का नेता होता है, फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको चुनता है। लेकिन अपने संविधान के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता रहता है, उसके मंत्रिपरिषद का गठन करवाता, उनकी नियुक्ति करता है। अब मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है उस किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी कि लोकसभा में जितने भी दल जीत कर आए हैं उन दलों में से जिनके भी पास बहुमत है तो बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो होता है अन्य मंत्रियों का चयन करता है भी कौन कौन से जो नेता है उनको हम मंत्री पद देंगे। और मंत्रियों का फिर कार्य विभाजन, मंत्रियों का चयन करने के बाद कौन से मंत्री को किस प्रकार का कार्य दिया जाएगा, उन कार्यों का विभाजन जो होता है वो किया जाता है मंत्रिपरिषद के अंदर। फिर मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, कोई भी जो मंत्री बनता है उसके लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो निर्धारित की जाती है। वैसे संविधान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक योग्यता मंत्री बनने के लिए यह है कि वो संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अब संसद का सदस्य कौन होता है? तो अपन पढ़ चुके हैं लोकतंत्र के अंदर, संसद के अंदर, कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद या मंत्री, मतलब मंत्री पद मिलने के बाद उसे अधिकतम 6 माह में, कितने माह में? अधिकतम 6 माह में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, तभी वो मंत्री का जो है कार्यभार सही तरीके से संभाल पाएगा। तो 6 माह के अंदर उसको वापस जो है वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। फिर आगे है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, फिर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का कार्य करवाता है, जिसमें उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसको? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को, उसके मंत्रिपरिषद को। फिर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, वैसे तो संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो होता है वो अधिकतम 5 वर्ष का होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये जो है मंत्रिमंडल जो होता है
वो लोकसभा या संसद के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, और अगर संसद चाहे तो इस मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकती है, इनको हटा भी सकती है। तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो संसद के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते रहते हैं। मंत्रियों के वेतन व भत्ते, मंत्रियों के वेतन और भत्ते निश्चित होते हैं, उनको समय समय पर संविधान के अनुसार उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं, उनको रहने की सुविधाएं और उनके जो भी अन्य खर्च होते हैं वो संविधान के अनुसार दिए जाते हैं। फिर मंत्रियों की श्रेणियां, अब मंत्रियों की श्रेणियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उपमंत्री। अब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सर्वोच्च इकाई होती है, इनके पास बहुत सारे कार्यभार होते हैं और उन कार्यभार का वो निर्वहन करते हैं, उनको उन कार्यभार को संभालते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री, जो कि मंत्रिमंडल की सर्वोच्च इकाई है। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री, जो कि एक कुछ विशेष विभागों के उनको प्रदान किए जाते हैं, या कभी कभार उनको स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है और कुछ विशेष विभाग ही उनको दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं राज्य मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री और उपमंत्री के बीच की इकाई होते हैं। और अंत में जो आते हैं वो होते हैं उपमंत्री। और उपमंत्री क्या होते हैं कि अपने ज्येष्ठ या जो वरिष्ठ जो भी मंत्री होता है उसकी सहायता के लिए उपमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो कि सर्वोच्च मंत्री होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा कार्यभार होता है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर राज्य मंत्री होते हैं, जो कि विशेष विभाग उनको दिए जाते हैं या कुछ विभागों के स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उपमंत्री, जो कि अपने ज्येष्ठ या वरिष्ठ मंत्री की सहायता के लिए उनको चुना जाता है। तो इस प्रकार से जो मंत्रियों की जो होती है वो 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। तो एक बार वापिस देखेंगे कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के 74वें जो अनुच्छेद है उसमें बता रखा है कि राष्ट्रपति की सहायता या परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर मंत्रिपरिषद के अंदर सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, फिर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है, मंत्रियों का कार्य विभाजन किया जाता है, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए उनका निर्धारण किया जाता है, मंत्रियों द्वारा शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा पद और गोपनीयता की। फिर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है अधिकतम, लेकिन ये संसद के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित होते हैं और समय समय पर संसद संविधान के अंदर संशोधन करके इनके वेतन और भत्तों को बढ़ाया घटाया भी जाता है। मंत्रियों की श्रेणियां होती है वो 3 होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। सर्वोच्च इकाई होते कैबिनेट मंत्री, बीच की इकाई होते राज्य मंत्री जिनको विशेष विभाग दिए जाते हैं, और तीसरे होते उपमंत्री जो कि अपने वरिष्ठ मंत्री की सहायता के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये था मंत्रिपरिषद। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के कार्य क्या हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां जो होती है वो देखो, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम पढ़ रहे हैं कि जो वास्तव में जो कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। तो उसी चीज को हम आगे विस्तार से देखते हैं कि मंत्रिमंडल की शक्तियां, जिसमें राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, सबसे पहली जो शक्ति है वो है कि राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, कि किस प्रकार की नीति किस प्रकार के देश के साथ अपनाई जाए, आंतरिक मामलों में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए और बाहरी या वैदेशिक मामलों में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। तो आंतरिक क्षेत्र एवं वैदेशिक क्षेत्र के साथ संबंध के विषय में नीतियों का निर्धारण, कि आंतरिक और वैदेशिक मामलों में किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाए, इनकी नीतियों का निर्धारण जो है वो मंत्रिपरिषद का कार्य है वो करते हैं। दूसरा है कानून निर्माण पर नियंत्रण। चूंकि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो है वो कानून निर्माण का कार्य करते हैं, तो मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं और वो ही महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तावित करते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखते हैं कि वास्तव में जो कानून है वो वास्तव में सबके लिए कार्य या सबके लिए सही है या नहीं है। फिर है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, ये बात अपन बहुत सारी बार कर चुके हैं कि वैसे संवैधानिक या हम देखा जाए सैद्धांतिक जो प्रधान होगा वो तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक या व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। संपूर्ण कार्यपालिका का जो कार्यभार होता है वो मंत्रिमंडल स्वयं करता है,
केवल राष्ट्रपति एक मतलब कि दिखावे के रूप में कार्य करता है। फिर आगे वित्तीय कार्य, जितने भी आर्थिक संबंधी कार्य है, चाहे वो बजट निर्माण हो, चाहे वार्षिक आय जो आय और व्यय का लेखा जोखा हो, या धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करना हो, ये संपूर्ण कार्य जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। कौन कौन से? बजट निर्माण, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करना और वार्षिक आय का लेखा जोखा रखना। फिर है वैदेशिक संबंधों का संचालन, कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाए, इस बात का निर्णय लेते हैं। जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं कि दूसरे देशों के साथ युद्ध की नीति अपनानी चाहिए, शांति की नीति, वार्ता, संधि, या मतलब कि युद्ध करना हो, तो इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे देशों के साथ या वैदेशिक संबंधों का संचालन जो है वो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, अब हमने देखा कि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति उन्हीं पदाधिकारियों को नियुक्त करता है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको सलाह देते हैं। तो व्यवहारिक रूप से मंत्री जो जितने भी पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है, वो दिखावे के रूप में राष्ट्रपति ये कार्य करता है। तो व्यवहारिक रूप से समस्त पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य जो होता है वो भी मंत्रिपरिषद का होता है। तो दोस्तों, ये थे मंत्रिपरिषद के कार्य, जिनमें मुख्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कि किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, कानून निर्माण पर नियंत्रण रखना, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण जो होता है वो मंत्रिपरिषद का होता है, वित्तीय कार्य जितने भी है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना है, और नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का कार्य जो होता है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे न्यायपालिका। तब तक के लिए धन्यवाद।